क्या था वो, क्या कहते हैं, आपकी मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसके अंदर वो बताया कि वहां से वो करके निकाल के रीसेट हो जाता है, वो सारी चीजें मैं कर चुका हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। वो रीसेट होती है, गाड़ी स्टार्ट होती है, उसपे आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर चलाओगे ना तो वो फिर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये एडोटेक्वा, आपने भी सुना कि ये इनके साइन आ रहे हैं, मगर मेरी वीडियो देख के ये रीस्टार्ट करते रहे हैं, ये नहीं हो रहा। ये साइन भी दे रही है, एसी भी कूलिंग कर रहा है और गाड़ी ईवी मोड पे भी नहीं आ रही है, ये इसको इशू आ रहा है। चेक करते हैं इसमें क्या मसला है। वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। तो पहले कर लेते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग। तो कंप्यूटर स्कैनिंग की है तो ये कोड आ रहा है U29A लॉस कम्युनिकेशन विद हाइब्रिड बैटरी पैक सेंसर मॉड्यूल। तो करते हैं इसको क्लियर, इस कोड को पहले क्लियर हो गया। लाइटें इसकी जो हैं, साइन जो इसके हैं वो ऑफ हो गए हैं और गाड़ी अभी ईवी पे नहीं आई, बैटरी फुल है मगर गाड़ी ईवी पे नहीं आ रही। तो गाड़ी को करते हैं रिवर्स और ड्राइव कर लेते हैं और चेक करते हैं। इंजन साइन तो चले गए हैं मगर गाड़ी जो है वो ईवी पे नहीं आ रही, मतलब गाड़ी ईवी मोड पे नहीं आ रही, बैटरी पे नहीं आ रही और इंजन पे चली जा रही है, और बैटरी के जो सेल हमें जो नज़र आते हैं वही फुल हैं। तो गाड़ी को कर लेते हैं ड्राइव और चेक कर लेते हैं क्या वजह आ रही है। एसी भी जो है वो कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा और गाड़ी हम ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी जो है वो ईवी के ऊपर आने का नाम नहीं ले रही है। ये जब तक फॉल्ट सही समझ ना आए तब तक गाड़ी को नहीं खोलना चाहिए, इसलिए गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट फॉल्ट के ऊपर हम काम कर लें, और ताकि आपके लिए भी रहनुमाई मिले और हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो, आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। कभी अजीब गरीब आते हैं, फॉल्ट ढूंढने में टाइम लगता है, मगर फॉल्ट मिल जाए तो वही बेहतर होता है, गाड़ी बार बार खोलनी नहीं पड़ती। गाड़ी हमने ड्राइव की है मगर गाड़ी ईवी पे नहीं आ रही है। अब गाड़ी हम यहाँ बंद करते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं। गाड़ी इस टाइम बंद है, अब कर लेते हैं हम इसको स्टार्ट। जैसे स्टार्ट की ये गाड़ी ईवी के ऊपर आई है, ईवी आने के बाद दोबारा से फ़ौरन ही साइन दे दिए, देख रहे हैं आप, सब साइन दे दिए। अब हम इसको कर लेते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग और चेक कर लेते हैं कि अब क्या कोड दे रही है, उस पर हम काम करेंगे, इस कोड पर हम काम करेंगे, क्योंकि गाड़ी इंजन साइन हाइब्रिड साइन देना नहीं छोड़ रही है। तो कोड आ रहा है जी U029 लॉस कम्युनिकेशन विद हाइब्रिड बैटरी पैक सेंसर मॉड्यूल। इस पर हम करते हैं काम, क्या इशू है। तो हमने सबसे पहले हाइब्रिड बैटरी की तरफ जाना है, हम लोगों को सबसे पहले हाइब्रिड बैटरी की तरफ जाना है और चेक करना है कि इसके सेंसर मॉड्यूल में क्या मसला है, उस पर हमने काम करना है। जब भी आप किसी हाइब्रिड गाड़ी का काम करें या बैटरी का काम करें, सबसे पहले उसका मेन जो प्लग है ये उतार लें, ताकि जितनी वोल्टेज है वो ख़त्म हो जाए, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुँचे। बैटरी को मुकम्मल खोलते हैं और बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के चेक करते हैं इसमें क्या इशू है, क्या वजह है, क्यों ये गाड़ी कोड नहीं छोड़ रही लॉस कम्युनिकेशन का। ये आप देख रहे हैं, हमने जो इसका बैटरी कंट्रोलर है जो बैटरी का टेम्परेचर ही बताता है और इस पैक की वैल्यूज़ भी मुकम्मल बताता है, अगर पहले पैक कमज़ोर हो जाए तो ये उसका एरर भी देता है। तो सारे काम ये करता है, मगर हमने इसको खोला, खोल के चेंज किया, चेंज करने के बाद दोबारा फिट किया, मगर हमारा मसला वहीं का वहीं है। लिहाजा हम पूरी बैटरी को बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं बैटरी में क्या इशू है। तो हाइब्रिड बैटरी हम लोगों ने बाहर निकाल ली है, ये देख रहे हैं आप, काफ़ी बुरी हालत है इसकी, पहले भी इसके ऊपर निशान उशान लगे हुए हैं, जैसे कभी खुली हो बैटरी और चेक किया हो इसको, और बैटरी के जो इसके हैं ब्लैक कवर खोलते हैं और देखते हैं कि जो इसके ब्रश पार हैं और इसके जो नट लगे होते हैं पैक के, उनकी क्या पोजीशन है। अगर तो बहुत गंदे हुए तो यही फॉल्ट है कम्युनिकेशन का, पावर मॉड्यूल इसके जो है सेल पैक जो है ये काम नहीं कर रहे, जो 20 सेल हैं ये काम नहीं कर रहे, आप देख रहे हैं बिल्कुल जंग से भरे हुए हैं और बहुत ही बुरी हालत है इसकी। लिहाजा इनको खोल के दोनों तरफ से और अच्छी तरीके से इनको साफ करके लगाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही, ये देखें ना, दूसरी साइड है इसकी, तो बहुत बुरी हालत है ये। अगर बस बार जो इसके हैं जो पतरियां लगी होती हैं और नट लगे होते हैं
इनके ऊपर जब कार्बन आ जाता है, इन पे ऊपर कार्बन आना मतलब बहुत अरसा हो गया है, कहीं बैटरी खुली नहीं है। ये आप देखें ना कि मट्टी मट्टी हुई है सारी, इसको सारा हवा से साफ़ करते हैं और उसके जो हैं ब्रश बा इनको खोलते हैं, नट खोलते हैं, नट को बाहर निकाल के अच्छी तरीके से इनको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद एक एक नट अपनी जगह पर प्रॉपर लगाते हैं, लगाने के बाद फिर चेक करेंगे हमारा फाल दूर हुआ कि नहीं हुआ। इस सरसिंग के ऊपर मेरी पहले वीडियो बनी हुई है, आप जाएंगे चैनल में लिस्ट में जाएंगे तो हैपर कार के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। इस बैटरी को भी हम अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, एक एक नट एक एक पतली इसकी बिल्कुल साफ़ करके लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे और इसके जो सेल है वो भी चेक करेंगे, अगर कोई सेल कमज़ोर है तो वो चेंज करेंगे। एक सेल जो है ये देख रहे हैं ये बहुत वीक था, हम लोगों ने लोड डाल चेक किया तो कमज़ोर था, ये हमने चेंज किया, आपको वीडियो में नहीं दिखाया हम लोगों ने चेक करने का। ये आप देख रहे हैं पथरी बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, जो इसके कनेक्टर हैं बिल्कुल साफ़ हो गए, देख रहे हैं आप एक एक पॉइंट का साफ़ हो गया है। अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे हम, फिक्स करने के बाद हम बैटरी फिट करते हैं। सारा काम मशाला मुकम्मल हो गया, बैटरी फिक्स हो गई है, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। बैटरी फिट करने के बाद उसका जो मेन प्लग है उसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लेंगे और पुश कर लेंगे, ऊपर पुल कर लेंगे। अब गाड़ी हमने स्टार्ट की है और इंजन सैन हैबर्ट सैन वहीं का वहीं है, तो कर लेते हैं कंप्यूटर स्कैनिंग और चेक कर लेते हैं क्या कोड आ रहा है। कोड वही आ रहा है क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो किया था क्लियर, तो दोबारा इंजन सैन और हैबर्ट सैन इसका आ गया था, तो कोड वही का वही है, कर लेते हैं क्लियर, करते हैं ओके, क्लियर होगा माशाल्लाह। अब गाड़ी को करते हैं हम ड्राइव और चेक करते हैं हमारा काम सही हुआ कि नहीं हुआ। लगाया इसे माशाल्लाह जी, काम मुकम्मल हो गया है। इस टाइम गाड़ी है वाना जी, ईवी पे भी आ रही है और इंजन पे भी आ रही है और इसमें एसी भी कूलिंग कर रहा है। एसी कूलिंग करना छोड़ गया था इसका और इसका इको मोड वगैरह इसके ऑन नहीं हो रहे थे, इंजन साइन इसका आ गया था और गाड़ी एक झटका लेके बंद हो रही थी, ये इसका इशू आ रहा था। तो इस टाइम माशाल्लाह टाइट ईवी के ऊपर है, ईवी इंजन आ गया और गाड़ी में लीको बिकी हुई है माशाल्लाह, बेहतरीन है। इस टाइम फॉल्ट था इसका, बैटरी पैक एक इसका ख़राब था, सेल इसका एक और उसके जो होते हैं कनेक्टर बिल्कुल जंग से भरे हुए थे, देखे आपने, जिसकी वजह से मसला आ रहा था। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी पे तीन ड्राइव हो रही है और कोई इंजन एरर और हैबिट एरर नहीं आ रहा। गाड़ी ड्राइव करके हम लोग आ गए हैं माशाल्लाह, ये वन है, दोबारा बंद की है और दोबारा स्टार्ट किया है, कोई एरर नहीं आ रहा, गाड़ी ईवी के ऊपर है माशाल्लाह, बेहतरीन हो गई है। अब हम कंप्यूटर स्कैनिंग कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं हमारा कोई फॉल्ट कोड तो नहीं आ रहा गाड़ी में, इतना हम लोगों ने काम किया है। तो फॉल्ट जो था इसका, एक सेल कमज़ोर था और इसके नट और इसकी पतरियां जंग से भरी हुई थी, जिसकी वजह से पावर नहीं मिल रही थी बैटरी की हैबिट सिस्टम को और बार बार वो दे रहा था लॉस कम्युनिकेशन का कोड। तो जब ऐसा मसला आया तो ये चीज़ें आप चेक कर लें, इंशाल्लाह का मसला हल हो जाएगा। जब तक फॉल्ट ना मिले तब तक कोई चीज़ ना खोलें, पहले फॉल्ट को मुकम्मल ट्रेस करें फिर गाड़ी को खोलें। माशाल्लाह कोई साइन नहीं है, एसी ऑन है, गाड़ी कूलिंग कर रही है बेहतरीन, ऑल ओके है, नो ट्रबल कोड, सब ओके आ रहा, देख रहे हैं आप माशाल्लाह सब ओके है, नो फॉल्ट कोड। तो वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज पांच टाइम कैम करें, दूसरी का विक करें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।